please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सूत्रों के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने शिवसेना के पूर्व पार्षद को श्रीकांत पांगरकर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से खबर मिली है कि शिवसेना के पूर्व पार्षद को दाभोलकर की हत्या के मामले में गिरफ्तार सचिन आंदुरे से हुई पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आंदुरे ने पूछताछ में बताया कि वह हत्या के समय शिवसेना के पूर्व पार्षद और हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य श्रीकांत पांगरकर के साथ था। आंदुरे को औरंगाबाद की एक कोर्ट ने 25 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि उससे पूछताछ में कई और राज खुल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एटीएस का मानना है कि शिवसेना का पूर्व पार्षद और हिंदू जनजागृति मंच का सदस्य पांगरकर ने आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे और दूसरे तरीके से मदद की। तो आरोपी पर आतंक के लिए पैसे देने का आरोप है। और आपको बता दें कि आंदुरे से जो पूछताछ हुई उसके बाद यहां पर शिवसेना के पूर्व पार्षद का नाम सामने आया और माना यह जा रहा है कि आंदुरे से पूछताछ में और भी कई राज से पर्दा उठ सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने शिवसेना के पूर्व पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के शिमोगा में मौजूद कांग्रेस के एक दफ्तर के बाहर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता टायर में आग लगाकर प्रदर्शन करने लगे। आरोप है कि इन कार्यकर्ताओं ने राज्य में 29 अगस्त को होने वाले निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन पर आपत्ति जाहिर करते हुए पथराव भी किया, जिससे कांग्रेस दफ्तर की खिड़की का शीशा टूट गया। इस बीच वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर टायर को भी आग के हवाले कर दिया। इस बीच प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद माओ ने पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर टायर को भी आग के हवाले कर दिया। इस बीच प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया, जिस पर वहां मौजूद दूसरे कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। इस प्रदर्शन के समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर गलत उम्मीदवारों के चयन का आरोप लगाया। बिहार की वैशाली में आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सहनी की हत्या पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दो दिन पहले ही आरएलएसपी कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात करने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट का सहारा लिया। ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने बिहार में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, आरएलएसपी नेता की हत्या में आपके एमएलए पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? चाहे बलात्कार हो, हत्या हो, घोटाले हो, शराब माफिया का मामला हो, हर कांड में आपके ही नेता क्यों होते हैं? बड़ा सुशासन बाबू मनी घूम रहे हैं, कार्रवाई करिए। तेजस्वी के हमले के बाद आरएलएसपी कार्यकर्ता मनीष सहनी की हत्या में आरोपी और महनार से जेडीयू विधायक ने खुद सामने आकर अपनी सफाई दी। हम पर जो आरोप लगाया गया है बिल्कुल निराधार है। गलत मंसूबा पालने वाले लोग राजनीति का गंदा खेल खेला है। जेडीयू विधायक ने हत्याकांड में दोषी पाए जाने पर पद से इस्तीफे का भी दावा किया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फरपुर रेप कांड में दो आईएएस अफसर भी सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि दोनों आईएएस अफसरों से सीबीआई जल्द ही पूछताछ कर सकती है। दोनों अफसर मुजफ्फरपुर रेप कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के करीबी माने जाते हैं और दोनों पर उसे फायदा पहुँचाने का शक है। मुजफ्फरपुर रेप कांड में सीबीआई ने पूर्व मंत्री और सत्ताधारी जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर रावत से भी 5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रावत ने ब्रजेश ठाकुर से किसी भी तरह का रिश्ता होने से इनकार कर दिया। इस मामले में नाम आने के बाद जेडीयू ने दामोदर रावत के बेटे राजीव रावत को पार्टी के महासचिव के पद से हटा दिया। पूछताछ के बाद दामोदर रावत ने भरोसा जताया कि सीबीआई जांच में सच सामने आ जाएगा। उन्होंने खुद के और अपने बेटे के बेकसूर होने का दावा किया। ब्रजेश ठाकुर से हमारा संबंध है हमारे पुत्र के माध्यम से, यह बिल्कुल निराधार है। नाम लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है, परमाणु दिखा रहे हैं ये क्या है, हम लोग कब उनसे मिले हैं, क्या उनको सहयोग किया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, जो दो आईएएस अफसरों का नाम सामने आया है, अभी तक क्या भूमिका रही है उनकी?
बिल्कुल देखिए, सीबीआई जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत एक एक लोगों का नाम सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये दो आईएएस अधिकारी हैं जो समाज कल्याण विभाग में तैनाती इनकी थी और उस समय इन लोगों ने मदद की है ब्रजेश ठाकुर की, और सबसे अधिक इन्हीं लोगों के तैनाती के वक्त ब्रजेश ठाकुर को फंड मिला था जिसको लेकर सीबीआई इनकी तलाश कर रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्दी इन दोनों आईएएस अधिकारियों से पूछताछ होगी। हालांकि इससे पहले सीबीआई अभी पूर्व मंत्री समाज कल्याण विभाग से एक बार पूछताछ कर चुकी है और यही वजह है कि उनके बेटे जो जेडीयू में शामिल थे उनको जेडीयू ने अपने पार्टी से निकाल दिया है। तो सीबीआई का शिकंजा धीरे धीरे कसते जा रहा है और कहा जा रहा है कि कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जिनसे पूछताछ की जा सकती है, जिसमें दो आईएएस अधिकारी भी शामिल है। बिल्कुल, तो कई और राज अभी खुलने बाकी हैं। चंद्रमोहन, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गूगल का मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लोग कब और कहां जाते हैं, गूगल को इसकी पूरी खबर रहती है। मोबाइल फोन के जरिए लोगों की जासूसी करने का ये दावा एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक गूगल का मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की 24 घंटे जासूसी की जाती है। जासूसी से मतलब है कि गूगल को ये पता रहता है कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कब और कहां कहां गया। ये सारी जानकारियां गूगल के पास रिकॉर्ड में रहती है, जिसे निजता का उल्लंघन भी माना जा रहा है। दावा है कि गूगल मैप्स के जरिए लोगों की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन में लोकेशन बंद होने के बावजूद गूगल अपने उपभोक्ताओं की जानकारियां जुटा लेता है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब गूगल पर लोगों की जासूसी का आरोप लगा है। इससे पहले 2017 में भी गूगल के एक बड़े अधिकारी ने लोगों पर नजर रखने के दावे को सही माना था। दुनिया में आतंकवाद की धुरी बन चुके पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया कि उनकी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ेगी। कट्टरपंथियों के लिए हमदर्दी रखने वाले इमरान ने दलील दी कि पाकिस्तान को अमन की जरूरत है, इसलिए उनकी सरकार आतंकवाद से लड़ेगी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्र के नाम दिए अपने पहले संदेश में इमरान खान ने पड़ोसियों से संबंध अच्छे करने का इरादा भी जताया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ऐलान किया कि उनकी सरकार सभी पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी। इंशाअल्लाह हम सारे हमसायों से अपने ताल्लुकात बेहतरीन करेंगे। पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अमन जब तक नहीं आता हम अपने ये जो हमारा आधी आबादी गुरबत की लकीर या उससे नीचे है, हम इसको ऊपर नहीं उठा सकते। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सारे हमसायों से अपने बेहतरीन रिलेशनशिप करें। गवर्नमेंट का काम है कि जो सारी पार्टीज़ ने 20 पॉइंट्स का नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सारी पार्टी मानी हुई हैं, इंशाल्लाह ये हम पूरी तरह इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दहशतगर्दी को हमने इस मुल्क से ख़त्म करना है। अमन जब तक नहीं आएगा इस मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी के कई नेताओं ने सिद्धू के पाकिस्तान जाने को लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और सिद्धू के पाकिस्तान जाने को जवानों की शहादत का अपमान बताया। सिद्धू को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सिद्धू सहित राहुल गांधी को शहीदों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने पर तंज कसा। गावस्कर और कपिल देव जी ने जाना ठीक नहीं समझा, उनका की सरकार जब कहेगी तब जाएंगे। जिनको वो पिता मान रहे थे उनको छोड़ के मित्र के वहाँ पहुँच गए। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपने पुराने दोस्त इमरान खान के बुलावे पर पाकिस्तान गए थे। वो इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से हुई, जिन्हें देखते ही सिद्धू ने उन्हें गले लगा लिया। कर भारत में सियासी घमासान मच गया और बीजेपी सिद्धू के बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो गई। हालांकि कांग्रेस ने सिद्धू का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। सद्भावना मिशन के तहत गए नवजोत सिद्धू जी और उनके जाने का मकसद कोई अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके सिद्धू का बचाव किया और लिखा कि इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह और दोनों राष्ट्रों के बीच दोस्ती के संदेश में भाग लेने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को पूरे नंबर मिलने चाहिए। इमरान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सिद्धू को पीओके के राष्ट्रपति मसूद खान के साथ बिठाया गया था, जिसे लेकर भी बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। दिल्ली एनसीआर में अलग अलग फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को जल्द ही उन पर लगे स्टिकर के रंग से पहचाना जाएगा। इससे जुड़े केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया।
केंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों पर होलोग्राम वाले नीले रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जबकि डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर नारंगी रंग का स्टिकर लगाया जाएगा। इन स्टिकर पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख और दूसरी जानकारियां भी दर्ज होंगी। इन स्टिकर की मदद से एजेंसियों को ये पता लगाने में आसानी होगी कि कोई गाड़ी किस फ्यूल से चलती है। साथ ही गाड़ी की उम्र पता लगाने और उसके फ्यूल से होने वाले प्रदूषण की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। स्टिकर में दर्ज जानकारियों के आधार प्रदूषण करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीआर की गाड़ियों पर रंगीन स्टिकर लगाने की योजना 30 सितंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है।